बेकिंग करने जा रहे हैं, और अगर आपको इस बात का डर है कि इस रेसिपी में तो अंडा यूज़ हो रहा है और आप तो अंडा खाते हैं नहीं, सो गाइस आपको इस बात की टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आज मैं अपनी इस वीडियो में आप लोगों के साथ कुछ एग रिप्लेसमेंट शेयर करने जा रहा हूँ, जिसे आप केक बनाने में, कुकीज़ बनाने में, ब्रेड बनाने में और मफिन बनाने में यूज़ कर सकते हैं। तो चलिए गाइस देखते हैं कि वो कौन कौन से एग रिप्लेसमेंट हैं, और अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिएगा, इसे शेयर कीजिएगा, और अगर आप मेरे इस चैनल पे नए हैं तो प्लीज मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा मेरे लेटेस्ट वीडियो के अपडेट सबसे पहले पाने के लिए। तो चलिए गाइस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जो पहला एक सब्स्टिट्यूट है वो है कंडेंस मिल्क। आप अंडे की जगह पे कंडेंस मिल्क का यूज़ कर सकते हैं। आप एक अंडे की जगह पे 1/4 कप कंडेंस मिल्क यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि आपको पता है कि कंडेंस मिल्क बहुत ही ज़्यादा मीठा होता है, तो जब भी आप अपनी रेसिपी में कंडेंस मिल्क का यूज़ कर रहे हैं तो आप अपनी रेसिपी में से 1 टेबल स्पून शुगर को कम करके ही कंडेंस मिल्क को डालिएगा, नहीं तो फिर आपका जो रेसिपी के अकॉर्डिंग शुगर भी थोड़ा मीठा हो जाएगा और फिर इधर से कंडेंस मिल्क भी थोड़ा मीठा हो जाएगा, तो आपका जो केक है वो कुछ ज़्यादा ही मीठा हो जाएगा। इसलिए जब भी आप कंडेंस मिल्क यूज़ कर रहे हैं और उस रेसिपी में जितना शुगर बोला गया है उसे आप 1 टेबल स्पून शुगर कम ही दें। आप इसे केक बनाने में, मफिन्स बनाने में, डोनट बनाने में यूज़ कर सकते हैं। हमारा जो दूसरा एक सब्स्टिट्यूट है वो है ओवर राइप बनाना, जो कि बहुत ही ज़्यादा पक जाते हैं, तो उसे भी आप एज ए एक सब्स्टिट्यूट यूज़ कर सकते हैं। आपको एक अंडे की जगह पे आपको 1/4 कप मैश बनाना लेना है और उसे अंडे की जगह पे आपको उसे यूज़ कर लेना है। आप इसे क्विक ब्रेड बनाने में, मफिन्स बनाने में और केक बनाने में यूज़ कर सकते हैं। हमारा जो तीसरा एक सब्स्टिट्यूट है वो होगा दही। आप एक अंडे की जगह पे 1/4 कप दही यूज़ कर सकते हैं, ये भी बहुत अच्छा रिजल्ट देगा आपको अंडे की जगह पे। आप इसे केक बनाने में, क्विक ब्रेड बनाने में और मफिन्स बनाने में यूज़ कर सकते हैं। हमारा जो फोर्थ एक सब्स्टिट्यूट होगा वो होगा बटर मिल्क का। आपको करना क्या है कि 1/2 कप बटर मिल्क में आपको 1/2 टीस्पून आपको बेकिंग सोडा मिक्स करके उसे 4 से 5 मिनट के लिए छोड़ दीजिए, और उसके बाद आप अपने रेसिपी में उसे यूज़ कर सकते हैं। हमारा जो फिफ्थ एक सब्स्टिट्यूट है वो है वेनिगर का। आपको करना क्या है कि आपको 1 टेबल स्पून वेनिगर में आपको 1/2 टीस्पून आपको सोडा मिला करके और आपको इमिडिएटली अपने बैटर में उसे डाल देना है। ये बहुत अच्छा एक सब्स्टिट्यूट है। इसे केक बनाने में, ब्राउनी बनाने में, मफिन्स बनाने में और रेड वेलवेट केक बनाने में इसे यूज़ कर सकते हैं। गाइज आई होप कि मैंने जो एक सब्स्टिट्यूट आप लोगों के साथ शेयर किया है वो आप लोगों को अच्छा लगेगा, और अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगे और अगर ये एक सब्स्टिट्यूट आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मेरे इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट कीजिएगा कि आप किस तरह का वीडियो मेरे इस चैनल पर देखना चाहते हैं, ताकि मैं उसी तरह का वीडियो आप लोगों के लिए बना सकूँ। और तब तक के मेरे इस वीडियो को इन्जॉय कीजिए। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।